तो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे स्पाइडरमैन शूज, और वो भी इलेक्ट्रो मैग्नेट की मदद से। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार ये इलेक्ट्रो मैग्नेट क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, बस आप ध्यान से सुनना, यकीन मानो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गाइस यार देखो, मेरे पास यहाँ पर यह है एक नियोडियम मैग्नेट, और ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होती है। लेकिन इसकी एक बुरी बात ये होती है कि ये एक परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि इसे आप ऑन या फिर ऑफ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस तरीके की मैग्नेट्स को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पीटा जाए या फिर बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, तो ये जो मैग्नेट्स है अपना चुंबकत्व खत्म कर देती है। तो गाइस यार, ऐसे में हम इंसानों को ज़रूरत पड़ी एक ऐसी मैग्नेट की जिसे हम कंट्रोल कर सकें, यानी कि ऑन या फिर ऑफ कर सकें, और फिर खोज हुई इलेक्ट्रो मैग्नेट की। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज़ को बनाएंगे, और यकीन मानो गाइस इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इसके लिए हम यूज़ में लेंगे इस माइक्रोवेव ओवन ट्रांसफार्मर का। ये जो ट्रांसफार्मर है ये माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ में इस 12 वोल्ट की बैटरी का, दूसरी बैटरी इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बस हम ये इसका इसलिए करेंगे क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके यहाँ पर ये जो वेल्डिंग है इसे काटना होगा दोनों साइड से, और फिर इसे यहाँ से अलग करना होगा। गाइस अब हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हुए ये जो ऊपर वाली कॉइल है, फर्स्ट वाली, इसे बहुत ही धीरे धीरे निकालना होगा। इसके ऊपर ये जो कॉपर्स के वायर है ना, इसके अंदर कट नहीं लगना चाहिए। अगर कट लग गया तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो काम नहीं करेगी। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं और फिर ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसे भी निकाल देंगे। गाइस यार, इसी कॉइल की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये वाली जो कॉइल है ना, इसे तो हम ऐसे ही ठोक ठोक के बाहर निकाल देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वो जो प्राइमरी कॉइल है पहली वाली, इसे वापस इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे, और ये बनके तैयार हो जाएगी हमारी पावरफुल इलेक्ट्रो मैग्नेट। बस इसे थोड़ा सा सेफ्टी से करना होगा क्योंकि इसके अंदर कट नहीं लगना चाहिए। राइट गाइस, और अब ये तैयार हो गई हमारी इलेक्ट्रो मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे कि इसे पावर देने के लिए इसकी ये जो दोनों पिंस हैं, इसके अंदर बैटरी के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स को जोड़ देंगे। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक वायर है जिसके अंदर मैंने बटन लगा रखा है, और इसकी मदद से हम इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसकी पिन को इसके अंदर जोड़ देते हैं। अब चेक करते हैं, काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, आज स्विच ऑफ है। ठीक है गाइस, अब स्विच को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, वो देखा आपने गाइस, कितना ज़्यादा फास्ट और कितना ज़्यादा पावरफुल है, देखना वो। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी देखना, अभी हमारे पास यहाँ पर ये काफ़ी भारी लोहे का टुकड़ा है, तो चलो इसे मैं आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से उठा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखना, राइट, अभी ये ऑफ है, और जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ, देखना, देखो
गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने 30 किलो के इस लोहे के टुकड़े को आसानी से उठा लिया है और ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। देखना बंद ये फिर से चालू, ये बंद, ये फिर से चालू। तो गाइज यार चलो अब इसको और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट करते हैं और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर और भी ज़्यादा भारी लोहे का टुकड़ा है जिसका वजन करीब करीब 40 से 45 केजी के आसपास है। अब देखते हैं कि ये छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट इतने पावरफुल इतने भारी लोहे को उठा पाता है या फिर नहीं। मैं यहाँ पर स्विच ऑन कर देता हूँ और अभी ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये ऑन हो चुकी है। अभी देखते हैं गाइस, आप देख सकते हैं कि इसने इतने भारी लोहे के टुकड़े को भी आसानी से उठा लिया है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है और इसे हमने पावर दी है सिर्फ और सिर्फ इस 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में। वाह, बंद करता हूँ पैर से, भारी है बहुत ज़्यादा भारी है। अब इस तरीके की हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं और इन दोनों को मेरे शूज़ के साथ में बांध देते हैं और फिर हमारे पास यहाँ पर एक लोहे की प्लेट है, ऐसा समझ लो कि लोहे की दीवार है और उस पर देखते हैं कि स्पाइडरमैन की तरह अपन चढ़ पाते हैं या फिर नहीं। गाइज अभी दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरे शूज़ के अंदर है और दोनों के स्विचेस मेरे हाथ में है। तो चलो अब इस लोहे की दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस पर बैलेंस बनाना, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। मैंने इस स्विच को ऑन किया है और अब पकड़ यहाँ पर है। अब देख सकते हैं कि मेरा वजन ही आसानी से उठा रही है इसको, पकड़ स्विच को। अब देखते हैं कि दूसरा वाला वजन उठा पाती है या फिर नहीं। गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो आइडिया है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब देख सकते हैं कि मैं अभी पूरी तरीके से इन शूज़ की मदद से इस के ऊपर हूँ। उप्स इतनी प्रैक्टिस नहीं है, ऊपर चढ़ गए। पिन निकाल के तार निकाल दे। राइट, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, गाइज आप देख सकते हैं कि अभी मैं पूरी तरीके से इन शूज़ के ऊपर हूँ, यानी कि मेरा सारा वज़न इस शूज़ के ऊपर है। बस थोड़ा सा बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है और जैसे ही मैं इधर वाले की पकड़ छोड़ता हूँ मेरा पैर नीचे जाता है। देखना, और मैं फिर से करता हूँ। तो गाइज यार शूज़ तो हमने बना लिए, लेकिन क्या है ना कि अपना जो शरीर है ना वो पूरी तरीके से जब अपन तिरछे चढ़ते हैं तो इस पर बैलेंस नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं बार बार गिर जा रहा हूँ। बाकी अगर ये लोहे की दीवार होती तो अगर हाथों में भी होती मैग्नेट्स इसी तरीके की तो एक हाथ से इस तरीके से पकड़ते, दूसरे हाथ से यहाँ से, और फिर धीरे धीरे किसी जैसे बकरियाँ वगैरह या फिर गाय वगैरह चलती है एक के बाद एक पैर, उस तरीके से हम लोहे की दीवार पर आसानी से इन स्पाइडरमैन शूज़ की मदद से चल पाते। और गाइस इसमें कोई दोराई नहीं है कि ये मेरा वज़न आसानी से उठा रहे थे। आपने देखा कि मैं यहाँ तक तो चढ़ गया था, अब देखते हैं कि जमीन के ऊपर इसके ऊपर अपन चल पाते हैं या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, अब चलने की कोशिश करते हैं। वो ये वाला पैर जाम हो गया। ओह गाइस यार सच में इनकी बहुत ज्यादा पावर है कि मैं अकेला तो इन्हें हिला ही नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा हूं। इस वाले को बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पीछे वाले को बंद करते हैं। स्विच दो, हिल नहीं पा रहा। लगता है वायर्स की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये सच में इतने ज़्यादा पावरफुल है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहे कितना ही दम लगा लूँ मैं अपनी पकड़ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। तो गाइस यार इसी तरीके से हम जो है लोहे पर भी इन जूतों की मदद से चल सकते हैं, लेकिन बस बैलेंस अपने को करना होता है। हाथों में मैग्नेट्स पहननी होती है। फिर भी इसको मैं पार कर देता हूँ।
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैग्नेट्स अपने हाथों से कंट्रोल होती है, यानी कि अपन चाहें तब इन्हें बंद कर सकते हैं, चाहें तब चालू कर सकते हैं। भूल गया। तो गाइस यार कुछ इस तरीके के हैं हमारे स्पाइडरमैन वाले शूज। आपने बादशाह मूवी के अंदर जो एक्टर होते हैं शाहरुख खान होते हैं ना, वो दीवारों पे कुछ इसी तरीके से चढ़ते हैं, उनके पैरों में मैग्नेट वाले शूज होते हैं। खैर वो तो मूवी थे, लेकिन ये रियल इलेक्ट्रोमैग्नेट शूज है और ये किसी भी इंसान का वजन आसानी से उठा सकते हैं। तो गाइस यार आई होप हमने कोशिश की, आपको पसंद जरूर आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए और क्रेजी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अबे हटा, छोड़ ना, बंद कर, बंद कर। हाँ।